शनिवार सुबह मुरैना जिले के पहाड़गढ़ से 4 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय वायुसेना के 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों ने धमाके के बाद जलते हुए एक विमान को बाबा श्यामदेव मंदिर के पास गिरते देखा। इसके बाद ग्रामीण उस जगह पहुंचे तो आग की लपटों के बीच मलबा बिखरा हुआ था। दोनों जो जेड विमान थे उनमें आपस में क्रॉस टकराए और टकराने के बाद एक क्रॉस हो चुका है आम जीरो प्लस दिब्बन के बीच में, जिसको बिल्कुल स्थान बोला जाता चरण। मैंने ये देखा था एकदम आग लगती हुई जा रही थी तो एक आगे निकल गया था, फिर बाद में ये पता लगा कि ये एक दोनों प्लेन टकराने से यहाँ एक गिर पड़ा। हादसे के बाद 2 पायलट पैराशूट के साथ झाड़ियों में फंसे हुए थे, जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। दोनों पायलटों को सेना के हेलीकॉप्टर से ग्वालियर ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। 2 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व है, एक सुखोई है और एक मिराज है। 3 पायलट थे, 2 पायलट सेफ्टी चेक कर गए थे, वो लोग इंजर्ड पाए गए थे लेकिन सेफ थे, उनको एयरलिफ्ट कराया जा चुका है। अभी हमारे पास प्रारंभिक जानकारी है, इसमें वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन एयरफोर्स की तरफ से नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन ये संभावित है कि जिस एयरपोर्ट से पायलट इजेक्ट हुए थे सुखोई के, उसी एयरपोर्ट की डेबरी भरतपुर जिले में भी मिली है। एयरफोर्स का विमान क्रैश होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया, वहीं वायुसेना ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। सुखोई 30 और मिराज 2000 का एक साथ दुर्घटनाग्रस्त होना वायुसेना के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि दोनों वायुसेना की अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान हैं। नई दिल्ली में अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन, मुरैना से उपेंद्र गौतम के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।